हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हियर आई एम विथ माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं रेडी हो चुकी थी मॉल जाने के लिए अपनी भांजियों के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मनसा और माधव को। देखो, ये मनसा रानी है और ये माधव है। माधव ने डांस करके दिखाया था हमको, आया सिंगर जो भी हम रेडी हो चुके थे और उसके बाद हम नीचे गए। जैसे ही हम नीचे गए तो एकदम से एक बटरफ्लाई, छोटी सी बटरफ्लाई आके जीजा जी के सर में बैठ गई थी। तो मैंने उसको जल्दी से कैप्चर कर लिया था। और उसके बाद देखो, दोनों मनसा और माधव मामा का हाथ पकड़ के जा रहे हैं। और फिर हम गए और जाते ही हमें ऑटो मिल गया था। हमने ऑटो में बैठे और हमने ऑटो राइड ली अपनी मॉल तक के लिए। यहाँ पे हम ऑटो बैठे हमने माधव ने पोज दिए और मनसा भी हंस रही थी। फिर थोड़ी देर पे जहाँ पे ट्रैफिक लाइट आती है तो वहाँ पे एक आंटी कुछ मांग रही थी, तो माधव को समझ नहीं आया, तो माधव ने कुछ अजीब से एक्सप्रेशन दिए। तब तक हम आगे बढ़ चुके थे और यहाँ पे हम पहुँच चुके थे मॉल। थोड़े बहुत पोजेस दिए, हम अंदर की तरफ जा रहे थे। अंदर जाते ही थोड़े बहुत मैंने और मयंक ने भी पोजेस दिए। हम अंदर पहुँचे और यहाँ पे स्टॉल्स लगी हुई थी बहुत सारी, जो हमने सोचा था पहले, अभी धूप हो रही है तो हम पहले अंदर जाते हैं, फिर शाम के टाइम पर आएँगे। और यहाँ पर मनसा और माधव ने एक ट्रेल वाली रील बनाई। रील बनाने के बाद हमने एस्केलेटर से ऊपर गए और उसके बाद हम सीधे चले गए थे गेम पार्लर में। और ये गेम पार्लर हम इससे जा रहे थे क्योंकि बच्चे थे, बच्चों को गेम पार्लर में अच्छा लगेगा करके हम गेम पार्लर में गए। लेकिन वहाँ बच्चे तो कम खेल रहे थे लेकिन मैं ज़्यादा खेल रही थी। आगे आगे आप देखते जाइए वीडियो में किसने कितना इंजॉय किया और हमने कौन कौन से गेम खेले। तो बहुत सारे गेम्स थे यहाँ पे। इसको पिक करना था, चॉकलेट्स पिक करने वाला था। और तो ये यहाँ पे मैं खेल रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो ये हमने दो बार ट्राई किया था ये वाला और हम दोनों बार फेल हो गए थे। लेकिन हमारे पास एक चॉकलेट वाला डब्बा आया था, वो हमने लिया था। उसको भी हमने दो बार ट्राई किया था और सेकेंड ट्राई में हम विन करे थे। और यहाँ पर इसमें हमको बॉल आ रही थी और इसमें हमको ये जो आपको देख रहे हैं इसको हमको हिट करके नीचे गिराना था। बहुत ही मज़ा आ रहा था, मैं तो बहुत इंजॉय कर रही थी भाई। मैंने तो बहुत मारे बॉल्स इधर से उधर और बच्चों को तो मौका ही नहीं मिल रहा था भाई। जीजा जी, दीदी, मैं और मयंक, हम ही इतना आगे बढ़ बढ़ के खेल रहे थे, बच्चे पता नहीं कहाँ थे। लेकिन हम बच्चों को गए थे लेकिन हम ही वहाँ जाके बच्चे बन चुके थे। अब बहुत इंजॉय किया है, देखो मैं कितना मार रही हूँ बॉल से। मैं तो भूल गई थी कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मैं यहाँ पे अपना हैप्पी विनिंग डांस कर रही थी। उसके बाद हम इसके मैं ऐसे करके यहाँ से बैग लेना था और उसमें डालना था। और यहाँ पे मैंने जो बॉर्डर लाइन थी उससे आगे से उठा के वहाँ से पैकेट डाल दिया था, तो हमारा फॉल हो चुका था, इसमें हमें कुछ नहीं मिला। और फिर ये सेम सिमिलर गेम था, इसमें बॉल से इन डॉल्स को नीचे गिराना था। और तो मैंने और मयंक ने बहुत सारी बॉल्स ली और बहुत सारी डॉल्स को गिराया और मनसा और माधव नीचे थे, शायद हमने उनको चांस ही नहीं दिया खेलने का, हम खेलने में इतने बिजी हो चुके थे। और यहाँ से बॉल्स डालनी थी बास्केट में, यहाँ पर मनसा डाल रही है, मैंने डाला, जीजा जी ने डाला, हम सब बिल्कुल खेल रहे थे, सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। फिर शायद हमको थोड़ी देर बाद ये भी याद आया, अरे हम तो खेलने नहीं आए थे, हम तो बच्चों को लेके आए थे ताकि बच्चे इंजॉय करें, बट हम भूल गए थे और हम खुद ही छोटे बच्चे बन गए थे और हम वहाँ पे खेल रहे थे। यहाँ पे माधव हाई करते हुए, फिर उसके बाद माधव बैठ गई थी। इसमें हमने टैप नहीं किया था, वो खाली इसको पकड़ के घुमा रही थी, वो इसी में खुश थी। उसको चाहिए ही नहीं था कि गेम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसे पता भी नहीं था शायद। वो खाली इसको पकड़ के वहाँ पे बैठ के ऐसे हिला रही थी। फिर उसके बाद हमने दोनों बच्चों को इसमें भेजा, इसमें इनको बॉल कलेक्ट करनी थी और वहाँ पर डालनी थी। ये इस गेम में बच्चों ने इंजॉय किया और हमको इसमें पॉइंट्स भी मिले, इसमें भी हमने अच्छे खासे पॉइंट बना लिए थे। फिर आगे बढ़े और देखो यहाँ से पीछे से मयंक और जीजा जी हार्ड डाल के बच्चों के लिए हेल्प कर रहे थे। तो बच्चे तो कम खेल रहे थे, बड़े ज़्यादा खेल रहे थे। उसके बाद बाइक राइडिंग वाला भी करा जिसमें बैठ चुकी थी मनसा। मनसा बैठी, मनसा ने बाइक राइड करी और वो बहुत इंजॉय कर रही थी। फिर उसके बाद आई थिंक जीजा जी का भी मन कर रहा था बाइक में बैठने का, तो फिर जीजा जी और मनसा दोनों बैठ के उन्होंने बाइक राइडिंग वाला गेम खेला और इंजॉय किया। देखो यहाँ पे कितना इंजॉय कर रही है मनसा। फिर उसके बाद अब देखिए जीजा जी भी आ गए हैं बाइक में, दोनों ने मिल के बाइक चलाई, बाइक वाला गेम खेला। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े थे। ये वाला जो गेम था ना, आई थिंक ये बना था माधव के लिए क्योंकि इसका जो डिस्टेंस था बास्केट में डालने का बहुत कम था। और हम फिर भी हम माधव को नहीं खेलने देते, हम ही खेल रहे हैं, देख लो बड़े लोग खेल रहे हैं। माधव शायद से बॉल उठा के हमें पकड़ा रही थी, लो पापा लो मामा के लिए। मज़ा बहुत आ रहा था वैसे, और पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे निकल गया इस गेम में। हमारे हम आई थिंक 3 to 4 आवर्स
गेम पार्लर में ही थे। इसके बाद ये वाटर वाला खेलना था, तो सबसे पहले मायक ने खेला, तो मैं को ये था कि यार बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे भी खेलना है। तो उसके बाद इनके खेलने के बाद मैंने और मनसा ने भी सेम गेम को खेला था और बड़ा मज़ा आया था। इस पर हमको जो भी वहाँ पे कार्टून्स आ रहे थे, जो भी करेक्टर्स आ रहे थे, उन पे पानी का स्ट्राइक करके उनको फोड़ना था। तो बहुत मज़ा आ रहा था ये गेम खेलने में। यहाँ पे अभी भी मयंक ही खेल रहे हैं। इसके बाद उनका गेम ख़त्म हुआ और उसके बाद मनसा और मेरा बारी आ गया था, फिर हम दोनों खेले ये गेम। आई थिंक ये 5 मिनट या 10 मिनट का गेम हमने ये वाला खेला होगा दोनों में। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, और क्योंकि ये पानी वाला था तो इसकी जो वेपर्स थी ना, वो उड़ उड़ के हमारे पास भी आ रही थी, पानी की बूंदें ऐसे छींटे छलक रही थी, तो बड़ा ठंडा सा, बड़ा अच्छा सा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। मैं इतनी सीरियसली खेल रही हूँ, जैसे कि बता रही क्या ही जीतने वाली हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस बैठ के एकदम हो गई थी खेलने के लिए। इसके बाद फिर जीजा जी ने एक और बाइक पे पिंक, ये पहले ऑरेंज वाली में बैठे थे शायद, अब पिंक वाली बाइक में लगता है जीजा जी को यही बाइक वाला गेम पसंद आया, तभी वो इसी बाइक में बैठ के बार बार यही गेम खेल रहे थे। फिर उसके बाद ये वाला हमारा सेकंड चांस था, जिसमें हमको ये चॉकलेट मिली, हमारा एक विन हुआ और माधव खुश हो गई थी ये देख के। इसमें इस वाले गेम में हम जीत नहीं पाए थे, इससे हैंडल से यहाँ पे बड़ी सी रिंग थी नीचे, वो रिंग को उठानी थी और वो रिंग उठा के दूसरी साइड ले जाना था, फिर वहाँ से स्लाइडर था, अगर स्लाइड होकर वो नीचे गिरता तब तुम जीतते। लेकिन हमारा रिंग आया था बट हम जीत नहीं गए। और इस वाले गेम में हमने बहुत सारे पॉइंट जीते थे। इस वाले गेम में पॉइंटर थे, अगर तुम दो उसमें चिड़ियाओं में अगर तुम अपने हुक डालोगे तो तुमको 250 पॉइंट्स थे, अगर तीन में डालोगे तो 355। अलग अलग उसमें डालने थे, अलग अलग उसमें डालने थे तब पॉइंट्स, तो इसमें हमने 3 उसमें डाले थे। फिर हमने सोचा यार इतने सारे गेम हमने खेले, माधव को तो कोई खिलाई नहीं, तो हमने माधव के लिए ये वाला गेम लिया और उसने खेला भी बट उसे मज़ा ही नहीं आया, उसे छोड़ दिया। फिर मनसा उसमें आ गया, फिर मनसा ने खेला। देखो इस गेम में हमें पॉइंट्स भी बहुत अच्छे खासे मिले थे, आई थिंक 90 से भी ज़्यादा है। और लास्ट में हमने ये सारे गिफ्ट्स मिले, जो भी हमने गेम खेला तो जीत के हमको ये सारे मिले। और फिर हम आके गए थे मॉल में थे, तो हमने ऊपर टर्किश आइसक्रीम थी, तो वहाँ पे ये वाला बच्चों ने गेम खेला पहले। सबसे पहले मनसा गई, मनसा ने इन्जॉय किया, और फिर मैं पीछे से बोलती माधव अब तुम जाओगे, तो माधव तो को तो उतना अजीब हो गया, उसको मन नहीं था, वो डर गई थी कि मेरे को चॉकलेट आइसक्रीम नहीं मिलेगी। तो उसने कहा मैं तो खेलना ही नहीं है, मेरे को खाना ही नहीं है। तो मैंने कहा अरे माधव ट्राई तो करते हैं। तो फिर मैंने माधव को गोद में पकड़ा और फिर मैंने उसको गेम खिलाया ये टर्किश आइसक्रीम वाला, उसको मज़ा आया। अकेले नहीं जा रही थी वो, डर उसको लग रहा था कि भैया बार बार मेरे हाथ से आइसक्रीम छीन लेंगे करके, तो वो नहीं गई। बट मेरे साथ उसने इंजॉय किया, बच्चों ने इंजॉय किया, और फिर हमने आइसक्रीम भी खाई, दोनों बच्चों ने आइसक्रीम भी खाई और खूब सारा इंजॉय किया। क्लैप कर रही है देखो कितनी क्यूट लग रही है ना, उसके नाक में भी डाल दिया था भैया ने। अकेली जाती तो नहीं करती, शायद रो भी जाती, वो तो मेरी गोद में थी, मैं उसको बार बार बोलती अरे माधव ऐसा करो ऐसा करो, तब वो वहाँ पे ऐसे कर रही थी। एंड फाइनली लास्ट में माधव को आइसक्रीम मिल जाती है और वो हैप्पी हो जाती है, और फिर वो वहाँ पे बेल को भी रिंग करती है। फिर हमारा खाना आ चुका था, व्रत वाला ही खाना हमने लिया, हमने खाना खाया सबने। खाना खाने के बाद देखो यहाँ पे माधव आएगी और पोज भी करेगी, माधव ने यहाँ पे पोज किया, ये आ गई माधव। फिर हमने पोज किया, खाना खाया, खाना खाने के बाद बच्चों ने बोला ये कौन सी पता नहीं क्या आइसक्रीम होती है, ये मुझे नहीं मालूम, आइसक्रीम नहीं कैंडी, अरे इतनी बेकार थी मैं बता नहीं सकती, ये रबड़ जैसी, इसको पसंद नहीं आई, किसी को पसंद नहीं आई, खाली पैसे बर्बाद हुए इसमें, मैं नाम भी भूल गई इसका क्या होता है, ठीक है। फिर उसके हम वापस चले गए, हमारा बहुत टाइम हो गया था। उसके बाद हमने थोड़ा नीचे गए और फिर बाकी शॉप्स में इधर उधर घूमे हम, मनसा माधव और मैं, और मयंक और जीजा जी बैठ गए थे इसमें मशीन में फुल बॉडी रेस्ट लेने के लिए, क्योंकि बहुत गेम खेला था और बहुत थक चुके थे। फाइनली हम जाते समय हमने रील बनाई, एक तो रील बनाई, और जाते समय ना बारिश भी होने लग गई थी, मतलब बहुत आधी तूफान सा भी आने लग गया था। ये देखो हम थोड़ा सा शेड लेके बैठ चुके थे पेड़ के नीचे, ताकि बारिश की बूंदें हम पे ना गिरे, हम भीगे ना, और तब तक जीजा जी ऑटो ढूंढ रहे थे। और ये था वहाँ का व्यू, और हमारा ट्रिप इसी तरीके से ख़त्म होता है। बच्चों ने हमने सब ने बहुत इंजॉय किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू ऑल।